नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। रितु फोंगाट ने रचा इतिहास, MMA के फाइनल में पहुंची, चैंपियन से होगी जंग। पूर्व भारतीय महिला रेसलर रितु फोंगाट ने किक बॉक्सिंग में कदम रखने की जलवा कायम रख दिया है, जब वो देश की पहली महिला MMA यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियन बनने के करीब है। उनका वन वीमेन्स एटमवेट वर्ल्ड ग्रां प्री चैंपियनशिप MMA फाइनल मुकाबला स्टैम्प फेयरटेक्स से होगा। ये मैच 3 दिसंबर को खेला जाएगा। फेयरटेक्स किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियंस रही है। रितु फोंगाट की रैंकिंग 34 है। उन्होंने कहा है कि उनका ये मैच 48 किग्रा वर्ग में होना है। इसके लिए वो सिंगापुर इंडोर स्टेडियम में तैयार कर रही है। अपनी ट्रेनिंग में रितु फोंगाट कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने थाईलैंड की चैंपियन को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। रितु फोंगाट ने कहा है कि भारत को अब तक MMA महिला चैंपियन नहीं मिली है। अब मैं इस पूरी धारणा को ही बदलने वाली हूँ। मैं ग्लोबल MMA के स्टेज पर एक महिला को लाऊंगी। देश का नाम रोशन करने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगी। स्टैम्प फेयरटेक्स पूर्व मॉय थाई वर्ल्ड चैंपियन है। मॉय थाई एक मार्शल आर्ट्स की फॉर्म में है जो थाईलैंड से निकली है। इसे कई जगह आर्ट ऑफ 8 लैम्प्स भी कहा जाता है। रितु फोंगाट ने कहा है कि मैं पिछले 2 साल से बिना समय गवाए लगातार प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा ध्यान सिर्फ फाइनल पर है।